अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं। कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे कि नूरुल ऐन जो है वो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रही है मुर्तज़ा और तहनीत के रिश्ते के दरमियान। यानी नूरुल ऐन पहले शादी के लिए एग्री नहीं हो रही थी मुर्तज़ा से और अब वो मुर्तज़ा का साथ चाहने के लिए, उसका साथ हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिश कर रही है और तहनीत की और मुर्तज़ा के रिश्ते के दरमियान भी दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये सब कुछ तहनीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उससे अब ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा और वो यही कही अपने घर वालों से कि अब मैं मुर्तज़ा से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती, अब मैं मुर्तज़ा के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद तहनीत की वालदा उसको समझाएंगी और कहेंगी कि मुर्तज़ा बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा सारी ज़िंदगी खुश रखेगा, तुम इससे जल्दबाज फैसला नहीं करो। लेकिन एट द नासिन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन जो बास नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पहले वो शादी के लिए एग्री नहीं हुई मुर्तज़ा से और मुर्तज़ा कहते हैं कि मुर्तज़ा हम इस तरह से क्यों फिर, हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर हम इस तरह से रहे तो लोग बातें करते रहेंगे। और इसके बाद मुर्तज़ा बेपनाह मोहब्बत करता है नूरुल ऐन से और अभी भी मोहब्बत उसकी बरकरार है और वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है। तो वहीं पर मुर्तज़ा की वालदा आ जाएंगी और उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। मुर्तज़ा कहेंगी कि एक कदम तुमने नूरुल ऐन की तरफ रखा हुआ है और आधा कदम तुमने तहनीत की तरफ रखा हुआ है। इस तरह से ना तुम्हारा घर आबाद होगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ये सब कुछ सिचुएशन सुनने के बाद बेचारे नूरुल ऐन बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी क्योंकि वो मुर्तज़ा से बेपनाह मोहब्बत करती है। मुर्तज़ा यही कहेगा कि नूरुल ऐन सिर्फ मेरी कज़न नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, मेरे मंगेतर भी रह चुकी है और मेरे हमसाए भी, उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब तहनीत यही कहेगी, यही फैसला करेगी कि आपको मुझे और नूरुल ऐन में से किसी एक को इंतखाब करना होगा, आपको कतई ताल्लुक करना होगा, या फिर आप नूरुल ऐन से करें और या फिर आप मुझसे करें। यह बात सुन के मुर्तज़ा एकदम हैरान परेशान से होकर देखने लग जाएगा। तहनीत को यही कहेगा कि नूरुल ऐन को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता अकेला, उसको मेरी ज़रूरत है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तहनीत फैसला कर चुकी है कि आपको कतई ताल्लुक करना होगा, इंतखाब करना होगा, या फिर मेरा या फिर नूरुल ऐन का। अब मुर्तज़ा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, कश्मकश सिचुएशन में आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो नाज़रीन आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी नीम तेरे का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को हमें सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे कि नूरुल ऐन जो है वो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रही है मुर्तज़ा और तहनीत के रिश्ते के दरमियान। यानी नूरुल ऐन पहले शादी के लिए एग्री नहीं हो रही थी मुर्तज़ा से और अब वो मुर्तज़ा का साथ चाहने के लिए, उसका साथ हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिश कर रही है और तहनीत की और मुर्तज़ा के रिश्ते के दरमियान भी दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये सब कुछ तहनीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उससे अब ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा और वो यही कही अपने घर वालों से कि अब मैं मुर्तज़ा से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती, अब मैं मुर्तज़ा के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद तहनीत की वालदा उसको समझाएंगी और कहेंगी कि मुर्तज़ा बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा सारी ज़िंदगी खुश रखेगा, तुम इससे जल्दबाज फैसला नहीं करो। लेकिन एट द नासिन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन जो बास नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पहले वो शादी के लिए एग्री नहीं हुई मुर्तज़ा से और मुर्तज़ा कहते हैं कि मुर्तज़ा हम इस तरह से क्यों फिर, हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर हम इस तरह से रहे तो लोग बातें करते रहेंगे। और इसके बाद मुर्तज़ा बेपनाह मोहब्बत करता है नूरुल ऐन से और अभी भी मोहब्बत उसकी बरकरार है और वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है। तो वहीं पर मुर्तज़ा की वालदा आ जाएंगी और उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। मुर्तज़ा कहेंगी कि एक कदम तुमने नूरुल ऐन की तरफ रखा हुआ है और आधा कदम तुमने तहनीत की तरफ रखा हुआ है, इस तरह से ना तुम्हारा घर आबाद होगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ये सब कुछ सिचुएशन सुनने के बाद बेचारे नूरुल ऐन बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी क्योंकि वो मुर्तज़ा से बेपनाह मोहब्बत करती है। मुर्तज़ा यही कहेगा कि नूरुल ऐन सिर्फ मेरी कज़न नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, मेरे मंगेतर भी रह चुकी है और मेरे हमसाए भी, उसके
उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब तैनियत यही कहेगी, यही फैसला करेगी कि आपको मुझे और नूरुल ऐन में से किसी एक को इंतखाब करना होगा, आपको कतई ताल्लुक करना होगा, या फिर आप नूरुल ऐन से करें और या फिर आप मुझसे करें। यह बात सुनकर मुर्तजा हैरान परेशान से होकर देखने लग जाएगा। तहनियत को यही कहेगा कि नूरुल ऐन को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता अकेला, उसको मेरी जरूरत है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तहनियत तो फैसला कर चुकी है कि आपको कतई ताल्लुक करना होगा, इंतखाब करना होगा, या फिर मेरा या फिर नूरुल ऐन का। अब मुर्तजा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, कश्मकश सिचुएशन में आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो नज़र आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी नीम तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरी प्यारी सी व्यूअर्स, दिल की किरणों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे कि नूरुल ऐन जो है वो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रही है मुर्तजा और तहनियत के रिश्ते के दरमियान। यानी नूरुल ऐन पहले शादी के लिए एग्री नहीं हो रही थी मुर्तजा से, और अब वो मुर्तजा का साथ चाहने के लिए, उसका साथ हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिश कर रही है, और तहनियत की और मुर्तजा के रिश्ते के दरमियान भी दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये सब कुछ तहनियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उससे भी ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। और वो यही कही अपने घर वालों से कि अब मैं मुर्तजा से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती, अब मैं मुर्तजा के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद तहनियत की वालदा उसको समझाएंगी और कहेंगी कि मुर्तजा बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा सारी जिंदगी खुश रखेगा, तुम इससे जल्दबाज़ फैसला नहीं करो। लेकिन एट द नासन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन जो बात नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पहले वो शादी के लिए एग्री नहीं हुई मुर्तजा से, और मुर्तजा कहते हैं कि मुर्तजा हम इस तरह से क्यों फिर, हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर हम इस तरह से रहे तो लोग बातें करते रहेंगे। और इसके बाद मुर्तजा बेपनाह मोहब्बत करता है नूरुल ऐन से, और अभी भी मोहब्बत उसकी बरकरार है, और वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है। तो वहीं पर मुर्तजा की वालदा आ जाएंगी और उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगी। मुर्तजा कहेंगी कि एक कदम तुमने नूरुल ऐन की तरफ रखा हुआ है और आधा कदम तुमने तहनियत की तरफ रखा हुआ है, इस तरह से ना तुम्हारा घर आबाद होगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ये सब कुछ सिचुएशन सुनने के बाद बेचारे नूरुल ऐन बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत करती है। मुर्तजा यही कहेगा कि नूरुल ऐन सिर्फ मेरी कज़न नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, मेरे मंगेतर भी रह चुकी है और मेरे हमसाय भी, उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब तहनियत यही कहेगी, यही फैसला करेगी कि आपको मुझे और नूरुल ऐन में से किसी एक को इंतखाब करना होगा, आपको कतई ताल्लुक करना होगा, या फिर आप नूरुल ऐन से करें और या फिर आप मुझसे करें। यह बात सुनकर मुर्तजा हैरान परेशान से होकर देखने लग जाएगा। तहनियत को यही कहेगा कि नूरुल ऐन को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता अकेला, उसको मेरी ज़रूरत है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तहनियत तो फैसला कर चुकी है कि आपको कतई ताल्लुक करना होगा, इंतखाब करना होगा, या फिर मेरा या फिर नूरुल ऐन का। अब मुर्तजा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, कश्मकश सिचुएशन में आ चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो नज़र आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी नीम तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरी प्यारी सी व्यूअर्स, दिल की किरणों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुरी भी देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे कि नूरुल ऐन जो है वो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रही है मुर्तजा और तहनियत के रिश्ते के दरमियान। यानी नूरुल ऐन पहले शादी के लिए एग्री नहीं हो रही थी मुर्तजा से, और अब वो मुर्तजा का साथ चाहने के लिए, उसका साथ हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिश कर रही है, और तहनियत की और मुर्तजा के रिश्ते के दरमियान भी दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये सब कुछ तहनियत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उससे भी ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। और वो यही कही अपने घर वालों से कि अब मैं मुर्तजा से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती,
अब मैं मुर्तजा के साथ नहीं रहना चाहती, जिसके बाद तहनीत की वालदा उसको समझाएंगी और कहेंगी कि मुर्तजा बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा सारी ज़िंदगी खुश रखेगा, तुम इससे जल्दबाज फैसला नहीं करो। लेकिन एट दिन नासिन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन जो बास नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पहले वो शादी के लिए एग्री नहीं हुई मुर्तजा से और मुर्तजा कहते हैं कि मुर्तजा हम इस तरह से क्यों फिर, हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर हम इस तरह से रहे तो लोग बातें करते रहेंगे। और इसके बाद मुर्तजा बेपनाह मोहब्बत करता है नूरुल ऐन से और अभी भी मोहब्बत उसकी बरकरार है और वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है। तो वहीं पर मुर्तजा के वालदा आ जाएंगे और उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। मुर्तजा कहेंगी कि एक कदम तुमने नूरुल ऐन की तरफ रखा हुआ है और आधा कदम तुमने तहनीत की तरफ रखा हुआ है, इस तरह से ना तुम्हारा घर आबाद होगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ये सब कुछ सिचुएशन सुनने के बाद बेचारे नूरुल ऐन बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी क्योंकि वो मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत करती है। मुर्तजा यही कहेगा कि नूरुल ऐन सिर्फ मेरी कजन नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, मेरे मंगेतर भी रह चुकी है और मेरी हमसाय भी, उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब तहनीत यही कहेगी, यही फैसला करेगी कि आपको मुझे और नूरुल ऐन में से किसी एक को इंतखाब करना होगा, आपको कथा ताल्लुक करना होगा, या फिर आप नूरुल ऐन से करें और या फिर आप मुझसे करें। यह बात सुन के मुर्तजा एकदम हैरान परेशान सा होकर देखने लग जाएगा। तहनीत को यही कहेगा कि नूरुल ऐन को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता अकेला, उसको मेरी जरूरत है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तहनीत तो फैसला कर चुकी है कि आपको कथा ताल्लुक करना होगा, इंतखाब करना होगा, या फिर मेरा या फिर नूरुल ऐन का। अब मुर्तजा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ चुका, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो नाजर आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी नींद का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरी प्यारी सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे जैसे कि नूरुल ऐन जो है वो बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रही है मुर्तजा और तहनीत के रिश्ते के दरमियान। यानी नूरुल ऐन पहले शादी के लिए एग्री नहीं हो रही थी मुर्तजा से और अब वो मुर्तजा का साथ चाहने के लिए, उसका साथ हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिश कर रही है और तहनीत की और मुर्तजा के रिश्ते के दरमियान भी दरारें पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रही है, जिसके बाद ये सब कुछ तहनीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उससे ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा और वो यही कही अपने घर वालों से कि अब मैं मुर्तजा से मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती, अब मैं मुर्तजा के साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद तहनीत की वालदा उसको समझाएंगी और कहेंगी कि मुर्तजा बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा सारी जिंदगी खुश रखेगा, तुम इससे जल्दबाज फैसला नहीं करो। लेकिन एट दिन नासिन आप देखेंगे कि नूरुल ऐन जो बास नहीं आ रही अपनी हरकतों से, पहले वो शादी के लिए एग्री नहीं हुई मुर्तजा से और मुर्तजा कहते हैं कि मुर्तजा हम इस तरह से क्यों फिर, हमें बस शादी कर लेनी चाहिए, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, अगर हम इस तरह से रहे तो लोग बातें करते रहेंगे। और इसके बाद मुर्तजा बेपनाह मोहब्बत करता है नूरुल ऐन से और अभी भी मोहब्बत उसकी बरकरार है और वो यही कहेगा कि हाँ ठीक है। तो वहीं पर मुर्तजा के वालदा आ जाएंगे और उसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे। मुर्तजा कहेंगी कि एक कदम तुमने नूरुल ऐन की तरफ रखा हुआ है और आधा कदम तुमने तहनीत की तरफ रखा हुआ है, इस तरह से ना तुम्हारा घर आबाद होगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलेगी। ये सब कुछ सिचुएशन सुनने के बाद बेचारे नूरुल ऐन बहुत दुखी और परेशान हो जाएगी क्योंकि वो मुर्तजा से बेपनाह मोहब्बत करती है। मुर्तजा यही कहेगा कि नूरुल ऐन सिर्फ मेरी कजन नहीं है, मेरी अच्छी दोस्त भी है, मेरे मंगेतर भी रह चुकी है और मेरी हमसाय भी, उसके साथ मेरा बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ये सब कुछ सुनने के बाद अब तहनीत यही कहेगी, यही फैसला करेगी कि आपको मुझे और नूरुल ऐन में से किसी एक को इंतखाब करना होगा, आपको कथा ताल्लुक करना होगा, या फिर आप नूरुल ऐन से करें और या फिर आप मुझसे करें। ये बात सुन के मुर्तजा एकदम हैरान परेशान सा होकर देखने लग जाएगा। तहनीत को यही कहेगा कि नूरुल ऐन को मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकता अकेला, उसको मेरी जरूरत है, समझने की कोशिश करो। लेकिन तहनीत तो फैसला कर चुकी है कि आपको कथा ताल्लुक करना होगा, इंतखाब करना होगा, या फिर मेरा या फिर नूरुल ऐन का। अब मुर्तजा बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ चुका, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तो नाज़रीन आपको ड्रामा से तेरे बिना मैं नहीं कि नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी नींद का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।